चुनाव अधिकारी जगदीश शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी नगर परिषद में 7 वार्डो में चुनाव होंगे। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग करवाई जाएगी और कोविड महामारी के चलते शाम को 4 बजे से 5 बजे तक वो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं या होम आइसोलेशन में हैं, वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। ज्वालामुखी नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 के वोट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गर्ल्स में डाले जाएंगे, वार्ड नंबर 2 के कम्युनिटी हॉल, वार्ड नंबर 3 के महिला मंडल, वार्ड नंबर 4 और 5 के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बॉयज में, वार्ड नंबर 6 के पीडब्ल्यूडी ऑफिस में और वार्ड नंबर 7 के पटवार घर बोहन में डाले जाएंगे, जिनके भाग्य का फैसला जनता 10 जनवरी को अपने मत से करेगी। इन चुनावों के निर्णय नगर परिषद कार्यालय में शाम को 6 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी और तुरंत नतीजे निकाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला चुनाव अधिकारी के निर्देशानुसार शराब ठेके बंद किए गए हैं और 10 जनवरी को चुनाव के नतीजे निकलने के बाद खोले जाएंगे। ज्वालामुखी नगर परिषद के चुनाव के लिए आज 3 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और प्रत्याशी किसी तरह से प्रचार नहीं कर पाएंगे, इस बारे में उनको जानकारी दे दी गई है। और बताइए क्या तैयारियां कर रखी है? हमने चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर ली है और कल सबसे पहले ज्वालामुखी के संस्कृत कॉलेज में रिहर्सल होगी, उसके बाद पार्टियों को सामान ईवीएम्स के साथ 12 बजे पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना कर दिया जाएगा। एक के वोट गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वालामुखी में, वार्ड नंबर 2 के कम्युनिटी हॉल ज्वालामुखी में, वार्ड नंबर 3 के महिला मंडल ज्वालामुखी में, नंबर 4 के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज ज्वालामुखी में, वार्ड नंबर 5 के भी बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वालामुखी में, वार्ड नंबर 6 के पीडब्ल्यूडी ऑफिस ज्वालामुखी में और वार्ड नंबर 7 के पटवार घर पोहन में वोट डाले जाएंगे। हाँ, माननीय जिला चुनाव अधिकारी के आदेशों के मुताबिक शराब के ठेके आज 3 बजे से बंद हो जाएंगे और 10 तारीख को नतीजे घोषित होने के बाद ही खोले जाएंगे और इनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। काउंटिंग कब होगी और कहां होगी सर? चुनाव संपन्न होने के बाद नगर परिषद कार्यालय में मतगणना शुरू होगी और उसके तुरंत बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। वोटिंग की टाइमिंग क्या सर? वोटिंग की टाइमिंग सुबह 8 बजे से 4 बजे तक होगी। इसके अतिरिक्त कोविड के मद्देनजर विशेष परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने कोविड पॉजिटिव लोगों एवं आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए 4 से 5 बजे का समय निर्धारित किया है।